हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2022 के कंप्लीट होने के बाद पहली ट्रेड विंडो करेंटली एक्टिव है और आईपीएल 2023 होने वाला है उसके लिए नीलामी के रिगार्डिंग भी बीसीसीआई के द्वारा ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की जा चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल 2023 का ऑक्शन कितनी तारीख को और कौन से वेन्यू के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस नीलामी के लिए बीसीसीआई ने कौन कौन से रूल्स में चेंज कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2022 के बाद आईपीएल 2023 के नीलामी के लिए इस बार बीसीसीआई के द्वारा काफी अलग तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई पहले ही इस चीज को कंफर्म कर चुका है कि आईपीएल 2022 और आईपीएल 2023 में हमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आईपीएल की विंडो 60 दिन से बढ़कर 75 दिन की होने वाली है, जिसके चलते इस बार का जो ऑक्शन है वो काफी अलग तरीके से आपको कंडक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए बीसीसीआई द्वारा कौन कौन से ऐसे रूल्स के बारे में बताया गया है जो कि आईपीएल 2022 में अलग थे और आईपीएल 2023 की नीलामी में आपको अलग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो बीसीसीआई इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि आईपीएल में चार नहीं बल्कि पांच विदेशी खिलाड़ी की परमिशन मिलनी चाहिए। बीसीसीआई इस चीज को पिछले काफी टाइम से मॉनिटर कर रहा है कि अक्सर जो विदेशी प्लेयर्स होते हैं वो हमें बेंच के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं अच्छे, और अब तो 8 के बजाय 10 टीमें हो चुकी हैं, जिसका मतलब है भारत के टैलेंट को अगर आप 5 फॉरेन प्लेयर भी खिला लोगे तब भी आसानी से प्रमोट कर सकते हो मेजॉरिटी में, जिसका मतलब है इस बार से नहीं बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को 5 फॉरेन प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा रूल चेंज बीसीसीआई प्लान कर रही है वो है इस जो ऑक्शन ड्राफ्ट में हमें 250-260 प्लेयर्स देखने को मिलते थे, इस बार के ऑक्शन ड्राफ्ट में हमें 400 प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बीसीसीआई ज्यादा एसोसिएट नेशंस के जो प्लेयर्स हैं उनको भी चांस देना चाहती है। इसके साथ ही जो लास्ट मिनी ऑक्शन हमने देखा था उस टाइम पर तो 8 ही आईपीएल टीमें थी, लेकिन इस बार क्योंकि 2 और आईपीएल टीमें ऐड हो चुकी हैं, जिसका मतलब है बीसीसीआई ऑक्शन ड्राफ्ट में आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स को इंक्रीज करते हुए नजर आएगी। इसके बाद जो तीसरी चीज हमें देखने को मिलने वाली है वो है रिटेंशन के रूल्स को लेकर। हालांकि पास्ट में जब भी हमने मिनी ऑक्शन देखा है वहां पर बीसीसीआई रिटेंशन के लिए यही रूल बनाती थी कि आप चाहे जितनी मर्जी जितने प्लेयर्स को रिटेन करना चाहो उतने प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि मेगा ऑक्शन देखा था और मेगा ऑक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग आप 3 ही प्लेयर्स को या फिर 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे, और इसी वजह से बीसीसीआई इस बार के मिनी ऑक्शन में वापस से इस चीज को अब अनाउंस कर चुकी है कि चाहे कोई भी टीम कितने भी प्लेयर्स को रिटेन करना चाहे या फिर रिलीज करना चाहे वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिटेंशन और अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिलीज प्लेयर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती है अपनी टीम में। इसके बाद जो आखिरी रूल चेंज के ऊपर बात होने वाली है वो है ऑक्शन की टाइमिंग को लेकर, जहां पर बीसीसीआई अक्सर ही ऑक्शन हमें 11 बजे से 8-9 बजे खत्म होता हुआ नजर आता था, लेकिन इस बार के मिनी ऑक्शन में बीसीसीआई 12 घंटे के ऑक्शन को प्लान कर रही है। अब गाइस, अगर बात की जाए आईपीएल के ऑक्शन की डेट, टाइमिंग और वेन्यू की, तो बीसीसीआई के द्वारा यह बताया गया है कि अभी जो बीसीसीआई के अकॉर्डिंग इसका वेन्यू होने वाला है वो मुंबई में रहेगा। मुंबई में आप लोगों को इस बार का आईपीएल का मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही अभी जो इसकी डेट है बीसीसीआई के अकॉर्डिंग वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर महीने की स्टार्टिंग में, यानी कि आप लोग दिसंबर 7 से लेकर दिसंबर 12 तारीख के बीच में इस बार के ऑक्शन को लाइव देख पाएंगे। टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 11 बजे से मिनी ऑक्शन स्टार्ट होगा, और इसके साथ ही क्योंकि 12 घंटे का मिनी ऑक्शन प्लान किया जा रहा है, जिसका मतलब है सुबह 11 बजे से स्टार्ट होकर रात के 10-11 बजे तक आप लोगों को मिनी ऑक्शन कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। तो गाइस, ये वीडियो ही तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।